बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए जारी की पहली लिस्ट, 70 में से 59 उम्मीदवारों के नाम। लिस्ट जारी करते हुए प्रहलाद जोशी ने बताया, पहली लिस्ट में 15 ब्राह्मणों को टिकट। पुष्कर संघ धामी खटीमा से लड़ेंगे चुनाव, उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक को हरिद्वार से मिला टिकट। जेवर विधानसभा से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना मैदान से पीछे हटे, नहीं लड़ेंगे चुनाव। जेवर से अवतार सिंह भड़ाना कर चुके थे नामांकन, कहा कोरोना पॉजिटिव होने के कारण नाम वापस लिया। यूपी की राजनीति में जबरदस्त हलचल, निर्भया और हाथरस केस की वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी के साथ। सीमा कुशवाहा ने की बीएसपी में जाने की पुष्टि, कहा दलित हित के लिए लिया मैंने निर्णय। गोवा के लिए बीजेपी ने जारी की 34 उम्मीदवारों की लिस्ट, प्रमोद सावंत सांखली से लड़ेंगे चुनाव। मनोहर परिकर के बेटे उत्पल परिकर को पणजी सीट से टिकट नहीं, फडणवीस ने कहा दूसरी सीट के लिए चल रही है चर्चा। केजरीवाल ने मनोहर परिकर के बेटे को दिया न्योता, कहा बीजेपी ने किया परिकर के परिवार का इस्तेमाल। गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के विरुद्ध लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद, कहा पार्टी ने किया निर्णय। चंद्रशेखर आजाद ने कहा मौजूदा सरकार में दलितों का दमन, मेरे ऊपर लगाए 100 से ज्यादा मुकदमे। यूपी चुनाव से पहले नेताओं ने की अदला बदली का दौर, मुलायम सिंह के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा मुलायम सिंह के परिवार का तीसरा सदस्य आया बीजेपी में। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल, लोक गायिका वंदना मिश्रा भी बीजेपी में। सीट को लेकर अखिलेश ने नहीं खोले पत्ते, कहा कहीं से भी लड़ लूंगा चुनाव। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सवाल यह है ये लोग जाने वाले लोग हैं। अखिलेश ने कहा यश भारती पुरस्कार फिर से करेंगे शुरू, पुरानी पेंशन व्यवस्था करेंगे बहाल। अखिलेश बोले बीजेपी सरकार में आउटसोर्सिंग कर सब कुछ बेच रही है, कहा एसपी किसी के परिवार में झगड़ा नहीं करवाती। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। प्रियंका गांधी कल 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा घोषणा पत्र करेंगी जारी, युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ऐलान। यूपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, 41 में 16 महिलाओं को टिकट। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम, पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट। कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह ने दिया इस्तीफा, सोनिया और विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान धुरी से लड़ेंगे चुनाव, संगरूर में ही है धुरी विधानसभा सीट। आजादी के अमृत महोत्सव पर ब्रह्म कुमारी में कई कार्यक्रम, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा राष्ट्र की प्रगति में ब्रह्म कुमारी का महत्वपूर्ण योगदान। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है। कार्यक्रम में मौजूद रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा देश में इस समय हिंसा का माहौल। थोड़ा देखने वाला है, तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले। अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक को लेकर हरकत में आई सेना, चीन की सेना से संपर्क। परिवार का दावा, 17 साल के मिराम को चीनी सेना ने किया था अगवा। चीन की सेना के साथ हॉटलाइन पर बात, लापता युवक की वापसी का दिया विश्वास। बीजेपी सांसद तापिर गाव ने किया ट्वीट, 2018 में भारतीय सीमा के 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक चीन ने बना दी थी सड़क, इसी सड़क से युवक को किया अपहरण।
कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा, अरुणाचल के बीजेपी सांसद मांग रहे हैं मदद, लेकिन सरकार ने साधी चुप्पी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, शायद ये पहला अवसर है जब विदेशी आकर हमारे नागरिकों का कर रहे हैं अपहरण। चीन ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर भी रहे हैं और कुछ उन्होंने कामयाबी हासिल करी है, भारत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट, गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत की एक भाग्य विधाता का चीन ने किया अपहरण, सरकार है चुप। पीएम मोदी ने अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल से बात की, सेहत का हाल पूछा। कोरोना से पीड़ित हैं प्रकाश सिंह बादल, अस्पताल में हैं भर्ती। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी। अदालत ने कहा, सिर्फ अंक को ही योग्यता का आधार नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ओबीसी उम्मीदवारों को रहा 27% आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण देने से पहले अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। मदर डेरेसा की संस्था के FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, एक स्वयंसेवी संस्था की याचिका। मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का भड़काऊ भाषण, सुरक्षा गार्ड की मदद से निकाला बाहर। पाकिस्तान के बहाने एक समुदाय के विरुद्ध बोल रहे थे विक्रम सैनी, लोगों ने शुरू कर दिए सवाल। शामली में भी समर्थकों के साथ वोट मांगने निकले बीजेपी प्रत्याशी तेजिंदर नरवाल, लोगों ने किया विरोध। नारेबाजी के बीच वापस लौटे तेजिंदर नरवाल, वीडियो वायरल। हाथरस में SP का 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर भरवा रहे हैं फॉर्म। देश में फिर से बढ़ गए कोरोना के मामले, 3,17,000 से ज्यादा नए केस। मरने वालों की संख्या बढ़ी, 24 घंटे में 491 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण दर 16% से ज्यादा, 2,23,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। देश में बढ़ रहे सक्रिय मामले, 19,24,000 से ज्यादा मरीज। ओमिक्रॉन के मामले बढ़े, 9,200 से ज्यादा की पुष्टि। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी, एक दिन में 43,697 में ओमिक्रॉन के 24 मामलों की पुष्टि। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में 100, BJ मेडिकल कॉलेज में 68 पॉजिटिव। गुजरात में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए केस। अकेले अहमदाबाद में 8,000 से ज्यादा मामले, कोरोना टेस्टिंग के लिए लंबी लाइन। बिहार के बलिया में वैक्सीनेशन के दौरान अजब गजब घटनाएं, युवक पेड़ पर चढ़ा। हरियाणा के अंबाला नगर निगम में कोरोना के 35 मामले, 2 दिन के लिए लोगों का संपर्क बंद। सिलीगुड़ी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मामले, मेडिकल कॉलेज में 70 नर्सिंग स्टाफ पॉजिटिव। असम के डिब्रूगढ़ में 1900 से ज्यादा सक्रिय केस, 2 स्कूल बने कंटेनमेंट जोन। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा अब जोधपुर में, 26 जनवरी से होगी जांच। मिजोरम में भी तेजी से बढ़ा कोरोना, सक्रिय मामले 9,000 से ज्यादा। यूपी विधानसभा की तैयारियां, BSF की 8 कंपनियां स्पेशल प्रिंट से पहुंची मुरादाबाद। आंध्र के कुर्नूल में बेकाबू कार के कारण हादसा, 3 लोग घायल। 26 जनवरी से पहले गुवाहाटी में तिरंगा बनाने की तैयारी, खादी के 5400 झंडे बनाने का लक्ष्य। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रैफिक कांस्टेबल और इंसानियत की मिसाल, सड़क पर बेहोश पड़े बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल। मध्य प्रदेश के सिवनी में सब्जी की दुकान पर आ गया बंदर, वीडियो आया। बद्रीनाथ में शुरू हुई बर्फबारी, 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ। मंदिर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों की बड़ी मुश्किलें, बिजली पानी का संकट। फतेहपुर शेखावटी राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका, बारिश ओले से तापमान गिरा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 21 जनवरी से 3 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान। सीतामढ़ी में जिलाधिकारी ने ठंड की स्थिति का जायजा लिया, निरीक्षण किया। दिल्ली में झपटमारी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार, छीना मोबाइल बरामद। सुकमा पुलिस को सफलता, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर।
26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मुंगेर की एसपी रही लिपि सिंह पर गोली चलवाने का आरोप, मृतक के पिता ने कहा लिपि सिंह आरसीपी सिंह की बेटी, बचाने में लगी सरकार। आगरा में 200 किलो चांदी की लूट, सीमाओं को सील कर तलाशी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हथियारों का हमला, एक शख्स घायल। पूनम कुमारी हत्याकांड में 4 गिरफ्तार, रास्ते से हटाने के लिए साजिश। महाराष्ट्र के सतारा में महिला वन रक्षक की पिटाई, आरोपी सरपंच पत्नी गिरफ्तार। कैथल में खेत में मिला लड़की का शव, पुलिस कर रही है जांच। बिहार के बक्सर में शराब पीने से रोकने पर भड़का पति, पत्नी पर डाल दिया तेजाब। झालावाड़ में वैक्सीनेशन करने गई टीम पर गांव वालों ने कर दिया हमला, टीम ने भागकर बचाई अपनी जान। यूपी के ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवारों का स्टंट, सीओ ने कराई उठक बैठक। छपरा में 3 लोगों की मौत पर विवाद, परिवार ने कहा जहरीली शराब से गई जान। प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत के दावे को बताया गलत, कहा ठंड की वजह से हुई मौत। पटना में शराब के 2 गोदाम मिले, 880 लीटर शराब जब्त। औरैया में बर्तन की दुकान में आग, दुकान और घर का सामान खाक। सूरत में डाइंग और प्रिंटिंग मिल में आग, 3 की मौत। ठाणे में सल्फर की बोरियों से भरे ट्रक में आग, जान बचाने के लिए चलते ट्रक से कूदा ड्राइवर। बिना ड्राइवर के चलते ट्रक ने 2 और गाड़ियों को मारी टक्कर, ऑटो रिक्शा में लगी आग, 2 लोग जिंदा जले। हरियाणा के यमुनानगर में छापे, 1400 से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर जब्त। मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 6 किलो चांदी की एक साइकिल को पकड़ा, मौके से भागे तस्कर। वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर में हाथापाई का वीडियो वायरल, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में मंदिर के 5 संत भी शामिल, युवक ने दर्ज कराई शिकायत। अयोध्या दर्शन के दौरान गुम लोगों के मोबाइल, पुलिस ने सर्विलांस की मदद से 60 मोबाइल वापस कराए। बिहार के हाजीपुर में फायरिंग, पुलिस की गाड़ी के पास बैठी महिला को गोली लगी।